शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए सिटी पुलिस ने ऑपरेशन रोक का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक इस मुहिम के दौरान ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद के इकदाम किए जाएंगे। पार्किंग में रुकावटों और गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने वाली सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। हैदराबाद ट्रैफिक जॉइंट CPAV रंगनाथ के मुताबिक ट्रैफिक के मसाइल से वाकफियत हासिल करने के लिए तजुर्बाती तौर पर ऑपरेशन रोप का निफाज किया जा रहा है। इन्होंने बताया है कि सिग्नल पर स्टॉप लाइन से आगे जाने वाले राहगीरों पर ₹100 जुर्माना आयद होगा, जबकि फ्री लेफ्ट को ब्लॉक करने पर ₹1000 जुर्माना देना होगा। फुटपाथ पर सामान रखने वाले दुकानदारों पर भी जुर्माना लगेगा। जॉइंट CP ने बताया है कि 350 तिजारती इदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये क़वानीन शहर में ट्रैफिक जैम और भीड़ भाव के मसाइल की यकसुई के लिए है। आइए सुनते इस खसूस में मज़ीद तफसील। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को YouTube पर लाइक करें और Facebook पर फॉलो करें। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आज हैदराबाद शहर में स्पेशल ड्राइव लॉन्च करे। ये स्पेशल ड्राइव में स्टॉप लाइन वायलेशन और ये फ्री लेफ्ट वायलेशन, इस पर हम फोकस करेंगे और आज से शुरू होके ये स्पेशल ड्राइव कंटिन्यू होगा। पहले हम एडुकेशन के तरफ हम फोकस करेंगे और बाद में एनफोर्समेंट भी करेंगे। ऐसा ड्राइव्स हम बहुत सारा डिफरेंट वायलेशंस, जैसे आप ट्रिपल राइडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और सिग्नल जंपिंग, इस पे भी हम ड्राइव्स करते रहते हैं। और ये स्पेशल ड्राइव जो हम स्टॉप लाइन और ये रॉन्ग फ्री लेफ्ट ब्लॉकिंग, तो इस पे हम फोकस तो करेंगे। और इसके अलावा हम रोप ऑपरेशन पे भी हम ड्राइव्स कर रहे हैं। रोप मतलब रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग एंड एंक्रोचमेंट्स, तो इस पे भी हम ड्राइव शुरू करें और ये ड्राइव कंटिन्यू करेंगे। इस ड्राइव में हम जहाँ जहाँ एंक्रोचमेंट्स है, जहाँ पब्लिक शॉप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा सामान को रोड पे रख के फुटपाथ को पूरा ऑक्यूपाई करके, जहाँ ये पूरा पार्किंग एरिया को वो लोग एंक्रोच करके बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को हम आइडेंटिफाई करके पहले हम नोटिस दिए। और नोटिस देने के बाद भी हम FIRs भी इन लोगों पे, मतलब क्रिमिनल केसेस भी लगा रहे। और ये क्रिमिनल केसेस के अलावा इनका जो फर्नीचर वो लोग फुटपाथ पे रख के बेच रहे, तो उस फर्नीचर को भी सीज करके हम कोर्ट में डिपॉजिट कर रहे। तो ऐसा ये रोप ऑपरेशन में अभी तक ऑलमोस्ट 70 FIRs कुछ जारी हुआ है हैदराबाद में, और इसमें करीब 300 से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट्स में हम केसेस डाल चुके हैं ऑलरेडी, और ये ड्राइव कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा हम फुटपाथ एंक्रोचमेंट्स को भी हम ग्रेजुअली एड्रेस करेंगे। हैदराबाद में आपको सबको मालूम है, 2014 जब तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन हुआ, तो उस टाइम में अराउंड 41 लाख का व्हीकल पॉपुलेशन था पूरा सब व्हीकल्स मिला के। और अब 2022 में अराउंड 80 लाख बन गए, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गए 8 साल में। तो सेम पेस में आप अगर नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये अगर डबल हो गए, तो मतलब 80 लाख से 1.6 करोड़ बन गए, तो पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा। और जैसे आप बैंगलोर देख रहे हैं, बैंगलोर में पूरा इतने कंजेशंस हैं, तो हैदराबाद में भी, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम अभी आप सबसे मदद